हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसका क्या होता है ना, चार कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो फर्स्ट में क्या आता है ना, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में होता है ना, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और फील्ड करंट के बीच में होता है। और लोड कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में होता है ना, जो वोल्टेज अक्रॉस का लोड होता है ना, लोड के वोल्टेज वर्सेस हमारा फील्ड का जो करंट है उसके वर्सेस में क्या होता है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हाँ, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, ये लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच में होता है, ठीक है। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ईजी होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ईजी और किसके बीच में ना, हमारा आर्मेचर करें है। तो ये तो जो होता है ना, ये हमारा जो जनरेटर जो बनाते हैं, मशीन जो बनाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको हम तो देख नहीं सकते है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को और क्या बोलते हैं ना, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और उसको और क्या बोल सकते हैं ना, मैग्नेटाइजिंग कर्व है। तो इसको ओसीसी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं ना, ओसीसी है, ओसीसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस टेस्ट को करने के लिए क्या किए हैं ना, देखो कि ये क्या है ना, सेपरेटली एक्साइटेड है, ये सर्किट है सेपरेटली एक्साइटेड का, ये सर्किट है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं ना, ये आर्मेचर है हमारा, तो आर्मेचर में यहाँ पर क्या निकल रहा है ना, आईए करंट निकल रहा है, आर ए है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा है, और ये अभी क्या है ना, ओपन है। तो ये क्या हो गया ना, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। सप्लाई कौन सा है ना, डीसी सोर्स का। तो ये हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर फील्ड करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एमीटर लगा है, यहाँ पर एमीटर लगा है, तो कितना करंट निकल रहा है उसको मेजर करने के लिए। तो अब चलते हैं ओसीसी कर्व है। ओसीसी कर्व क्या होता है तो ओसीसी कर्व देखो, ये किसके किसके बीच में है ना, ये जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई और ये हमारा जो फील्ड करंट उसके बीच में है, ठीक है। तो ये शुरू होता है ए से, समझ में आ रहा है ना, ये ए से शुरू होता है। तो मतलब ये मतलब हम क्या करते हैं ना, जो जब भी हम इंक्रीज करते हैं फील्ड करंट को है, तो ये जीरो से कभी नहीं, वोल्टेज हमारा जीरो से कभी नहीं शुरू होता है, ये थोड़ा वोल्टेज का वैल्यू कुछ हाई होके शुरू होता है। क्यों थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा क्यों होता है ना, ये हमारा जीरो से ज्यादा होता है किसके लिए ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। इसके लिए ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जिनके लिए ये हमारा क्या होता है ना, जीरो से कभी शुरू नहीं होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है क्या एक्चुअल में ना, हमारा जो वाइंडिंग रहता है पोल में है, तो पोल के वाइंडिंग के वजह से वो मैग्नेटाइज होके रह जाता है। मशीन बंद होने के बाद भी वो क्या होता है ना, मैग्नेटाइज होके तो रह जाता है। तो मैग्नेटाइज होके रहने के वजह से वहां पर क्या होता है ना, फ्लक्स रह जाता है। तो फ्लक्स के वजह से कुछ वोल्टेज भी वहां पर जनरेट होके रह जाता है, इसीलिए ये जीरो से शुरू नहीं होके थोड़ा ऊपर ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम जब क्या करते हैं ना, फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा ना, हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा, ये आ गया क्या ना, बी, जहां पर ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो स्टेप क्या है ना, ये बोल रहा है कि इट इज द कर्व बिटवीन फील्ड करंट, ठीक है, इट इज द कर्व बिटवीन फील्ड करंट एंड नो लोड ईएमएफ है एट अ कंस्टेंट स्पीड। कंडीशन क्या होना चाहिए ना, स्पीड जो है वो कंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। द फील्ड करंट इनिशियली केप्ट एट जीरो वैल्यू, ठीक है। पहले जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फील्ड करंट को क्या ना, जीरो कर देंगे है? तो हम क्या करेंगे ना, जीरो से इंक्रीज करेंगे है? तो देन नेक्स्ट क्या बोला है ना, द
डीसी जनरेटर ड्राइविंग बाय मोटर। तो डीसी जनरेटर को चलाने के लिए जो प्राइम मूवर हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्राइम मूवर ना मोटर है। एंड द स्पीड इज फिक्स्ड एट द रेटेड स्पीड। तो स्पीड को हम क्या कर रहे हैं ना, एक रेटेड पहले क्या करेंगे ना, जो मोटर को हम प्राइम मूवर के तौर पे ले रहे हैं जनरेटर को रोटेट करने के लिए, तो उसको क्या करेंगे ना, एक रेटेड स्पीड में हम दे देंगे, जितना रेटेड स्पीड है उसका उस रेटेड स्पीड में हम रोटेट करेंगे। नाउ द फील्ड करंट ग्रेजुअली इंक्रीज। तो अब क्या करेंगे ना, जो जीरो पे था फील्ड करंट को, उसको हम क्या करेंगे ना, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर क्या लगा है ना, जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या करेंगे ना, डिक्रीज करने से। जैसे कि हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है ना, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, तो वी इक्वल टू आई आर होने से तो हमारा क्या हो जाएगा ना, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। तो हम जब इसको डिक्रीज करेंगे, किसको ना, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली करंट क्या होगा ना, इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं ना, डिक्रीज यहाँ पर कर रहे हैं, डिक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज होगा क्या होगा ना, फील्ड करंट हमारा यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ फील्ड करंट द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इंड्यूस्ड फ्रॉम द वोल्ट मीटर। तो जितना हम करंट बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना करंट बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से, करंट के वैल्यू के हिसाब से हमारा जो हम लगाए हैं, जो वोल्ट मीटर लगाए हैं, वहां पर भी कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा है वो भी वहां पर शो करेगा, ठीक है। देन द कर्व इज ड्रॉन बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ फील्ड करंट एंड नो लोड ईएमएफ। इस दोनों वैल्यू को लेके हम क्या करेंगे ना, कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। द कर्व स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्टार्टेड हुआ ड्यू टू द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द फील्ड पोल। ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के वजह से ये क्या होता है ना, जीरो से शुरू नहीं होके ए से शुरू होता है। फ्रॉम द पोजिशन ए बी द कर्व इज लीनियर, ठीक है, ए बी द कर्व इज लीनियर, बट आफ्टर बी द फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज्ड इन द एयर गैप एंड द रेटेड इंक्रीज ऑफ वोल्टेज स्लो डाउन। तो क्या होता है ना, पॉइंट बी के बाद, ठीक है, पॉइंट बी के बाद मतलब ए से लेके बी तक जो कर्व होगा वो क्या होगा ना, लीनियरली जितना करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी उतना उस हिसाब से बढ़ेगा। बट आफ्टर बी, बी के बाद क्या होगा ना, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा इन द एयर गैप एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज जो इंक्रीज होना है वो क्या होगा ना, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर पॉइंट सी द पोल्स गेट सैचुरेटेड एंड फॉर फर्दर इंक्रीज ऑफ आई ए, फर्दर इंक्रीज ऑफ आई ए इज नो इंक्रीज ऑफ आई जीरो। मतलब फील्ड करंट जितना भी बढ़ाने से वो क्या होगा ना, हमारा आई जीरो है वो बढ़ेगा नहीं, एक सैचुरेशन लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लॉट में देखते हैं ये कैसे होगा ना, ये तो हो गया लिनियरली, कहाँ थे ना, ए से लेकर बी तक ये क्या होगा ना, लिनियरली हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट सी है, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं पॉइंट सी। तो पॉइंट सी में क्या बोल रहा था, देखो फिर से बता रहा हूं कि आफ्टर पॉइंट बी, आफ्टर पॉइंट बी जो बी के बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक द फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज इन द एयर गैप एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज स्लो डाउन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सी के बाद थोड़ा मतलब बी से लेके सी तक उसमें क्या होता है ना, थोड़ा हमारा जो वोल्टेज है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एक सी के बाद क्या होगा ना, सी के बाद द पोल्स गेट सैचुरेटेड फॉर फर्दर इंक्रीज ऑफ आई एफ देयर इज नो इंक्रीज ऑफ आई जीरो। तो हम जितना भी फील्ड करेंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सी के बाद, सी के बाद एक पॉइंट ले जाते हैं, ये हो गया डी हमारा, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, उसके बाद ये पूरा सैचुरेशन में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा ना, हम जितना भी फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज वो कंस्टेंट ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या हो गया ना, सैचुरेशन पॉइंट, कौन सा वाला ना, डी वाला, ये वाला हमारा सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इसको डी को मैं नेम दे देता हूँ, पॉइंट ऑफ
सैचुरेशन। ओके, ये था हमारा क्या था ना ओसीसी कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, उसका स्टेप था। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्या है ना लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज भी है वर्सेस किसके ना फील्ड करंट, फील्ड करंट आईएफ। ठीक है, आईएफ करंट एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होना एंड आर्मेचर करंट दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट होगा और क्या होगा ना आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे होगा ना, देखो ये सेपरेटली एक्साइटेड का सर्किट है ना, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एमीटर A1। ठीक है, ये क्या हो गया ना वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि हमारा फील्ड करंट को वो वैरी कर सकता है, और दे रहे हैं यहाँ पर क्या ना डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हमारा आर्मेचर हो गया। ठीक है, तो आर्मेचर से एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा रहे हैं भी, कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो मेजर करने के लिए, और एक यहाँ पर दूसरा वाला एमीटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे जिसका नाम है एस है। अभी ये स्विच ओपन है और यहाँ पर क्या है ना लोड। ठीक है, ये क्या है ना, ये लोड को हम वेरी करेंगे, वेरिएबल लोड है। ठीक है, तो ये है उसका डायग्राम है। तो ये स्टेप कैसे हम फॉलो करेंगे, नीचे है स्टेप है, स्टेप वाइज हम इसको एक्सपेरिमेंट को देखेंगे क्या है ना। देखो फास्ट वो बोल रहा है, इन द फिगर फास्ट रन द मशीन रेटेड कांस्टेंट स्पीड, हम रेटेड कांस्टेंट स्पीड में इस मशीन को रन करेंगे। ठीक है, एंड स्विच एस इज टू बी क्लोज्ड, उसके बाद क्या करेंगे ना स्विच एस को क्लोज्ड कर देंगे। एडजस्ट द फील्ड करंट टिल आर्मेचर करंट इज इक्वल टू रेटेड आर्मेचर करंट, हम क्या करेंगे ना जो फील्ड करंट है ठीक है वो उसको एडजस्ट करेंगे, जैसे कि हमारा जो आर्मेचर करंट है वो क्या आ जाएगा ना रेटेड करंट में वो आ जाए। ठीक है, नाउ वेरी द लोड इन सच ए मैनर द आई ए एंड एन मतलब स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट, हम लोड को वेरी करेंगे जहां पर कि आई ए और एन हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। टेक वेरियस रीडिंग एंड ड्रॉ द ग्राफ, तो हम यहाँ पर कुछ रीडिंग लेंगे इंक्रीज करेंगे, हम क्या है ना लोड को इंक्रीज करके हम रीडिंग लेंगे किसका है, किसका ना हमारा जो वोल्टेज और किसका ना फील्ड फील्ड करंट का हम यहाँ पर क्या ना रीडिंग लेंगे। ठीक है, इफ द लोड इज मेड जीरो, तो इनिशियली में क्या होगा ना लोड हमारा क्या होगा ना जीरो, द मीन्स आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना आउटपुट हमारा क्या ना शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। देन वी इक्वल टू जीरो, वी जीरो होगा और क्या होगा ना ए पॉइंट से वो शुरू होगा, कैसे होगा मैं अभी प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका प्लॉट किसके किसके एक्रेस में होगा ना, ये हो गया वी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज और ये हो गया फील्ड करंट एक्सिस। ठीक है, तो ले गया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये बोल रहा है कि जो इनिशियली में क्या होगा ना हम जो लोड ले रहे थे हमारा जो लोड है ना उसका वैल्यू कितना ना जीरो होगा। ठीक है, मतलब सपोज मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम वेरी करेंगे है? तो अब इसका क्या करेंगे ना, इसका पूरा जीरो रहेगा। ठीक है, जीरो रहेगा मतलब ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है समझगा है? तो ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, V इक्वल्स टू यहाँ पर क्या रहेगा ना जीरो रहेगा है? तो V जीरो रहेगा पर करंट क्या होगा ना इंक्रीज, वहां पर कुछ करंट होगा वहां पर है? तो करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉइंट यहाँ से होगा, पर जीरो क्या होगा ना जब वोल्टेज नहीं देंगे, इफ द वोल्टेज इज मेड जीरो, तो जीरो जीरो से वहां पर क्या ना करंट कुछ रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज जीरो है तो करंट का कुछ वैल्यू यहाँ पर आया है।
तो उस पॉइंट को क्या लेंगे ना, ए ले जाएंगे, ठीक है, ये ओ हो गया। तो इसीलिए बोल रहा है कि ए पॉइंट ऑपरेंड, तो इसीलिए ए पॉइंट से ही हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से क्या होगा ना, हमारा जितना वोल्टेज देंगे उस हिसाब से क्या होगा ना, करंट भी उस हिसाब से इंक्रीज करेगा। उसके बाद उस टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा ना, एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा और ये ऐसा उसका कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज पॉइंट बी ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, एन और आई ए कंस्टेंट है, ठीक है, जो स्पीड और हमारा आर्मेचर करंट यहाँ पर कंस्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि हम वोल्टेज इंक्रीज कर गए हैं, तो उस हिसाब से हमारा करंट भी क्या हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा एक टाइम आएगा जहां पर कि हमारा जो वोल्टेज है वो कंस्टेंट रह जाएगा कि सैचुरेशन में आ जाएगा, तो करंट को जितना भी इंक्रीज करने से उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं एम्पियर, करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा रहे हैं, और ये सप्लाई है डीसी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्मेचर है ये हमारा, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहे हैं एक, यहाँ पर ईजी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर एक एमीटर यूज कर रहे हैं आई ए टू, हाँ, तो उसके बाद एक स्विच लगाएंगे एस, जिसका नाम होगा, इसका नाम एस है, स्विच एस। उसके बाद लोड लगाएंगे, ये होगा वेरिएबल लोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या है देखेंगे, हाँ, ये बोल रहा है कि वेरिएशन ऑफ वी विथ आई एल, हाँ, मतलब उसका ये किसके किसके, मतलब जो फ्लड होगा ये किसके किसके बीच में होगा ना, टर्मिनल वोल्टेज, हाँ, और टर्मिनल हमारा जो लोड करंट, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ वी विथ आई एल, हाँ, ये हो क्या ना, वी क्या है ना, हमारा टर्मिनल वोल्टेज, और आई एल हमारा क्या है ना, लोड करंट एट कंस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या होगा ना, कंस्टेंट होगा, एंड फील्ड करंट गिव्स द एक्साइटेशन। तो हम एक्साइटेशन किसको करेंगे ना, फील्ड करंट को करेंगे, ठीक है। द जनरेटर इज रन एट रेटेड स्पीड, जनरेटर को हम क्या करेंगे ना, रेटेड स्पीड में रन करेंगे, एंड द फील्ड वाइंडिंग इज एडजस्टेड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। तो अब क्या करेंगे ना, फील्ड वाइंडिंग को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे कि टर्मिनल जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, तो वहां पर क्या होगा ना, वो रेटेड वोल्टेज वो देगा, वो क्या है ना, नो लोड में, नो लोड में मतलब अभी इनिशियल में हम लोड कुछ दिए नहीं है, ठीक है। नाउ क्लोज द स्विच एस एंड वेरी लोड इन स्टेप एंड नोट वी एंड आई एल, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे ना, स्विच एस को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोड को वेरी करेंगे, हम वेरिएबल लोड लिए हैं, तो लोड को हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, वेरी करेंगे और प्लॉट ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच में, ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ना, टर्मिनल वोल्टेज एंड हमारा जो लोड करंट है उसके बीच में करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट हम ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पर, हाँ, तो मैं यहाँ पर ले गया, आई एल, ठीक है, और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आई ए भी ले जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सटर्नल इंटरनल कर्व एक ही ग्राफ में मैं प्लॉट करके दिखा दूंगा। तो ये शुरू होता है, यह ओरिजिन है, ओ है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा क्या है ना, एक कंडीशन लेते हैं कि आइडियल मशीन का कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो आइडियल मशीन में क्या होगा ना, हम जब लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल लोड है, ठीक है, तो हम जब लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा ना, कोई
वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, लॉस कोई नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होगा ना, करंट का वैल्यू इंक्रीज करने से है ये वोल्टेज क्या होगा ना, पूरा कंस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये किसके लिए, किसके केस के लिए है ना, आइडियल केस के लिए, ठीक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। जब एक्सटर्नल हमारा आएगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ना, हमारा जो वोल्टेज है वो थोड़ा नीचे चला आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा नीचे चला आएगा, ये क्या होगा ना, पूरा थोड़ा नीचे चला आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया ना, ये हमारा जो है वो है हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन आइडियल से वो नीचे चला आएगा। जो इंटरनल होगा, ठीक है, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किसके किसके बीच में होता है ना, ईजी वर्सेस आईएन, है। तो ये क्या होगा ना, वो हमारा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस के वजह से ड्रॉप होगा, तो इतना ज्यादा नहीं होके ये थोड़ा उसके बीच में ही रहेगा, ठीक है, उसका कर्व। तो ये क्या हो गया ना, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ किसके वजह से ना, ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसमें भी क्या हो गया ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना, आई ए आर ए ऐसे हमारा लिनियरली वो इंक्रीज करेगा, आई ए आर ए ड्रॉप, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है ना, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक का ये कर्व है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है देखेंगे क्या ना, इन द कर्व ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देयर इज डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारा यहाँ टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है ना, है? तो टर्मिनल वोल्टेज कहाँ पर है, स्ट्रेट होता है, यहाँ पर क्या होना, डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि ये वाला यहाँ पर डिक्रीज होके आ रहा है, ठीक है कि नहीं, है? तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लोड, तो लोड को बढ़ाने से क्या हो रहा है ना, टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज ड्यू टू आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आर्मेचर ड्रॉप, किसके किसके वजह से हो रहा है ना, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आर्मेचर ड्रॉप के वजह से ये हो रहा है, ठीक है। देन चलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दिस इज अ कर्व बिटवीन ईएमएफ एक्चुअली जनरेटेड इन द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर ई ए, ठीक है, एंड द आर्मेचर करेंट आई ए, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है ना, ये ईजी वर्सेस आईए के बीच में। द कर्व कैन बी ऑब्टेंड बाय एडिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप विथ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। ये क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग में ही ये यूज होता है, तो ये हमारे यूजर पॉइंट ऑफ जो यूज करता है मशीन को, इसके लिए ही वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा चारों कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे क्या ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक किसका ना, शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे ना, एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम दिया है कि ए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर व्हेन रन एट 1000 आरपीएम, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालेंगे इसका ना, गिवन क्या है ना, एन हमारा क्या है ना, देखो 1000 आरपीएम, ठीक है, सप्लाइड 200 एम्पियर एट 125 वोल्ट, ठीक है। तो सप्लाइड मतलब ये क्या होगा ना, आई एल, ठीक है, आई एल कितना हो जाएगा ना, 200 एम्पियर, हाँ, तो वी कितना हो जाएगा ना, 125 वोल्ट, हाँ,
व्हाट विल बी द लोड करेंट, तो लोड करेंट कितना होगा व्हेन द स्पीड ड्रॉप. अच्छा ठीक है, ये दो कंडीशन के लिए बोल रहा है कि स्पीड है एक पहला, मतलब ये स्पीड वन हो गया, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज, मतलब ये स्पीड के वजह से इतना वोल्टेज आउटपुट में आता है और इतना करंट आता है. ठीक है, तो सेकंड क्या बोला है ना, वो सेकंड में हमारा स्पीड को ड्रॉप कर रहा है तो एन टू हमारा कितना ड्रॉप होके आ रहा है ना, 800 RPM. ठीक है, इतना आ रहा है. तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द लोड करंट, तो लोड करंट का उस टाइम में वैल्यू कितना होगा. ठीक है, ये हमें निकालना है. ठीक है, आई एल टू का वैल्यू निकालना है. इफ आई एफ मतलब फील्ड करंट इज अनचेंज. ठीक है, मतलब आई एफ क्या होगा ना, आई एफ जो है वो है कंस्टेंट है. आई एफ कंस्टेंट है मतलब फ्लक्स भी कंस्टेंट है, ये भी कंस्टेंट होगा. ठीक है, गिवन आर्मेचर रेजिस्टेंस. अच्छा, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दे दिया है, आर ए इक्वल्स टू 0.04 ओम. क्रॉस ड्रॉप भी दिया है, क्रॉस ड्रॉप दिया है 2 वोल्ट दे दिया है. ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ यहाँ से क्या निकालना है ना, आई एल टू ही यहाँ से निकालना है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, देखो यहाँ से हम ईजी वन निकाल सकते हैं. ईजी वन कैसे निकलेगा ना, वी प्लस आई ए आर ए प्लस बी डी. ठीक है, वी हमारे पास है यहाँ पर, ये वाला है, आई ए नहीं है, आर ए है हमारे पास. ठीक है, और बी बी डी भी है हमारे पास. ठीक है, तो आई ए कैसे निकलेगा ना, ये आई ए हाँ हमारा यहाँ पर कैसे निकलेगी है, यहाँ हमारा जो आई ए है ये वो क्या होगा ना, आई ए इक्वल्स टू आई एल वन. क्यों, क्योंकि ये है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना, आई ए इक्वल टू आई एल वन के साथ इक्वल रहता है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ना, वी का वैल्यू कितना है ना, 125 प्लस आई ए, आई ए कितना होगा ना, आई एल का वैल्यू कितना है 200 इंटू आर ए, आर ए 0.04. ठीक है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ना, 2 हो रहा है. तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 135 वोल्ट, इतना आ गया. ठीक है, ईजी वन आ गया है. तो हमें पता है क्या ना, स्पीड और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है ना, ईजी वन बाई ईजी टू इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे ना, हमारे पास एन वन का वैल्यू पता है, एन टू का भी वैल्यू दिया है, ईजी अभी निकाल लिए, तो ईजी टू का वैल्यू हम निकालेंगे. ठीक है, तो ईजी टू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ना, ईजी टू इक्वल्स टू क्या होगा, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ये कितना आ जाएगा ना, ईजी टू इंटू एन वन इक्वल्स टू ईजी वन इंटू एन टू, तो इम्प्लाइज दैट ईजी टू यहाँ पर कितना आएगा ना, ईजी टू ईजी वन इंटू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन आ जाएगा, एन वन. ठीक है, तो ईजी टू क्या होगा ना, ईजी वन इंटू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन है. तो ईजी वन का वैल्यू कितना है, अभी अभी निकाले, 135 इंटू एन टू का वैल्यू कितना है, एन टू का वैल्यू 800 है, इंटू 800 है डिवाइडेड बाई एन वन का वैल्यू कितना है ना, 1000. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा ना, 108 वोल्ट हमारा आ जाएगा. ठीक है, तो हम अभी निकाल लिए कितना ना, ईजी निकाल लिए, ईजी वन और ईजी टू दोनों निकाल लिए है. तो नेक्स्ट क्या करेंगे ना, हम निकालेंगे अभी आई एल टू का वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे ना, हम यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन से निकालेंगे. जैसे कि वी इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर होगा हमारा वी टू, वी टू इक्वल टू ईजी टू माइनस आई एल टू आर ए
माइनस वी डॉट डी है प्लस ड्रॉप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है भी है, तो भी तो पता नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट वी टू इक्वल्स टू ईजी टू हमारा कितना है ना 108 माइनस हमारा यहाँ पर जो आर ए है, ठीक है। आर ए हमारा क्या है ना, उसका वैल्यू दिया है, मतलब आर ए हमारा जो यह वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो रेजिस्टेंस है, दो कंडीशन के लिए वो रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस 0.04 आई एल टू है माइनस टू, ठीक है। तो मैं टू किसके लिए ना, ये जो हमारा ब्रॉस ड्रॉप है उसके लिए है। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा ना, वी टू इक्वल्स टू 106 माइनस 0.04 आई एल टू, ठीक है। ये जो दो है इसके साथ माइनस हो गए। तो अब क्या करेंगे ना, इसको हम रख देंगे इक्वेशन वन करके रख देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हम आर एल वन कैसे निकालेंगे, ठीक है। आर एल वन मतलब जो लोड लोड रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। लोड रेजिस्टेंस तो सबके लिए सेम ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कैसे निकलेगा ना, वी वन डिवाइडेड बाई आई एल वन, ठीक है। तो वी वन हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, गिवन है इतना ना 125 डिवाइडेड बाई आई एल भी गिवन है 200, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा ना 0.6254 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो रेजिस्टेंस आर एल मतलब कंडीशन टू के लिए भी उतना ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ना, आई एल टू इक्वल्स टू वी टू बाई आर एल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा ना, वी टू का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये जो वी टू वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ना 106 माइनस 0.04 आई एल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एल निकला है अभी यहाँ पर हाँ, तो 0.625 इतना डाल दें। तो उसके बाद क्या करेंगे ना, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आई एल टू इक्वल्स टू 106 माइनस 0.04 आई एल टू डिवाइडेड बाय 0.625, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अननोन सिर्फ क्या है ना, आई एल टू है, तो हम इसको सॉल्व करके हम आई एल टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको क्या सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आ जाएगा ना, आई एल टू इंटू 0.625 इक्वल्स टू 106 माइनस 0.04 आई एल टू, ठीक है। तो आई एल टू माइनस है, इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने से कितना होगा 0.665 आई एल टू इक्वल्स टू 106, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट आई एल टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना 159.39 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, हमारा आई एल टू निकालना था, ये हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे ना, पहले से बता चुका हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को, और बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो वीडियो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।